एंजाइटी के मरीजों के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, हल्दी जिसे टर्मरिक पाउडर कहते हैं, ये बेहतरीन तोहफा है। जो डिप्रेशन के मरीज हैं, जो एंजाइटी के मरीज हैं और जो शदीद सर दर्द की शिकायत का इजहार करते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि खुदारा अगर कोई भी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले उनको छोड़ दीजिए, एक बात। दूसरी बात, ख़ास तौर पर इसके साथ साथ हमें एक ग़िज़ा के ऊपर अपनी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर सुभानअल्लाह मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ हैं। आइए उन ग़िज़ाओं का एक चार्ट जो कुछ तस्वीरी शक्ल में वो आपके पेश खिदमत है, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह मैं आपको नुस्खों की जानिब लेके चलूंगा। नादरीन किराम, इस वक्त आपको ये इलायची नजर आ रही है, ये इलायची जो है नादरीन किराम अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा है एंजाइटी के मरीजों के लिए, डिप्रेशन के मरीजों के लिए, शदीद सर दर्द के मरीजों के लिए। पानी अजीम तोहफा है, पानी का इस्तेमाल, हमारे यहाँ पानी का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। इसी तरह कद्दू के बीज इसका पेस्ट बनाया जाता है, यह मैं आज आपको बताऊंगा। ग्रीन सब्जियों का इस्तेमाल, सलाद का इस्तेमाल करें, उस पर जो है ऑलिव ऑयल डालकर इस्तेमाल करें। यह सलाद जो है मुख्तलिफ ग्रीन किस्म की जितनी सब्जियां हैं ये जबरदस्त चीज है, खास तौर पर ये ग्रीन टी। मेरा जो कहवा बड़ा मशहूर है, ग्रीन टी ये जबरदस्त तोहफा है डिप्रेशन के मरीजों के लिए। और इसी तरीके से बादाम जो है ये अल्लाह की तरफ से बेहतरीन इनाम है। अखरोट अलबरका ट्रस्ट का मंशूर, आओ गम समेटे खुशियां बांटे। अलबरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अलबरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदकात की बदौलत इन्हें तनहा नहीं छोड़ता और इनकी जरूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। महाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमजानुल मुबारक में हजारों मुस्तहकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अलबरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 01216773999। सुभान अल्लाह, ये एक ज़बरदस्त अल्लाह की तरफ से तोहफा है। हल्दी वाला दूध, ये डिप्रेशन के मरीजों के लिए, एंजाइटी के मरीजों के लिए अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। हल्दी जिसे टर्मरिक पाउडर कहते हैं, ये बेहतरीन तोहफा है। मसाज करना, सर का मसाज करना, ये एक बेहतरीन अमल है, ये हमने छोड़ दिया है। और ख़ास तौर पर अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, हेल्थी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पर हमें करना चाहिए। अक्सर मरीज़ जो है वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ख़ास तौर पर डिप्रेशन के वो मरीज़ जो जूसेस इस्तेमाल करेंगे उनके लिए मैं बताऊंगा। बहरहाल ये कि ये कद्दू के बीज हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए और ऑलिव हो गए, ये तमाम चीज़ें जो है नादरीन इकराम, ग्रीन टी हो गया, ये बेहतरीन अल्लाह की तरफ से इनाम है। ख़ास तौर पर लेमन वाटर, ये भी बेहतरीन चीज़ है। और लेमन को जी, इसके अलावा जो है दूध और बादाम, नादरीन किराम ये मुख्तलिफ आपको चीज़ें बताएंगी। ये तमाम चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, ये आपके डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए और शदीद सर दर्द के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर के पास शदीद दर्द की शिकायत है, एंजाइटी की शिकायत है और डिप्रेशन की शिकायत है, तो डॉक्टर आपको नींद की टैबलेट देते हैं, आपको ऐसी टैबलेट देते हैं, ऐसी दवाई देते हैं जिससे आपका दिमाग सुन हो जाता है, या पेन किलर वगैरह देते हैं जिससे आपका दिमाग सुन हो जाता है। एक तरफ आपका ये फ़ायदा हो रहा है, दूसरी तरफ आपको नुकसान हो रहा है। आज के डॉक्टर, जदीद साइंस खुद कहती है कि ये केमिकल है, इसकी अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन हमारे लोग हैं, जाहिर बात है जिसको शदीद सर दर्द है उससे पूछे कि उसकी क्या कैफियत होती है।